एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्मृति सहानी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश की पोम अ फोटोग्राफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ मैं एक्सट्रैक्ट आपको वन लाइन फॉर्म में भी कराऊंगी और एमसीक्यू फॉर्म में भी। चाहे वन लाइन करो चाहे एमसीक्यू करो, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर एमसीक्यू में आएगा तो आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा, तो चार ऑप्शन में से ये आंसर है। और कुछ एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वन लाइनर एमसीक्यू सीरीज ऑफ क्लास 11 इंग्लिश। पोयम आज हम पहली बार कर रहे हैं। सारे चैप्टर्स के हम देख चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन। आज हम पोम से स्टार्ट करेंगे। पहली पोयम है अ फोटोग्राफ, जिसको लिखा है शर्ली टॉल्सन ने। ठीक है, पहला एक्सट्रैक्ट है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग ईच वन ऑफ होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। तो पहला स्टैंजा है व्हाट डज द कार्डबोर्ड हेयर रेफर। कार्डबोर्ड क्या मतलब है कार्डबोर्ड का यहाँ पे, तो थिक पेपर ऑन विच द पोएट्स मदर फोटोग्राफ वॉज पेस्टेड को कार्डबोर्ड बोला गया है। कोई एक जैसे पुराने जमाने में भी और अभी कभी कभी हम ऐसा करते हैं, कोई फोटो होती है तो उसको सिक्योर करने के लिए एक थिक पेपर पे या कार्डबोर्ड की शीट पे उसको पेस्ट कर देते हैं, तो उसी चीज़ को कार्डबोर्ड लिखा गया है। व्हाट डज कार्डबोर्ड डिपिक्ट, कार्डबोर्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कार्डबोर्ड पे। कार्डबोर्ड पे फोटो दिखाई दे रही है तीन बहनों की, तो इट डिपिक्स द पिक्चर ऑफ थ्री गर्ल्स। ठीक है, अब एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्स। चार ऑप्शन देंगे, उनमें से एक सही होगा। हु इज द बिग गर्ल मेंशनड हियर, बिग गर्ल कौन है, एंड शी द बिग गर्ल, यहाँ बीच में लिखा है ना यहाँ पे, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो बिग गर्ल कौन है, बिग गर्ल है पोएट्स मदर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पैडलिंग। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्सट्रैक्ट में एमसीक्यू में आ जाएगा, पैडलिंग लिखा जाएगा, वो फाइंड द वर्ड मैचिंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो पैडलिंग से मिलता जुलता कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा और आपको मैच करना होगा, तो पैडलिंग का रियल मीनिंग पता होगा तो आप मैच कर पाओगे। तो पैडलिंग मतलब होता है वॉकिंग थ्रू शैलो वाटर इन बेयर फीट। ठीक है, जो शैलो वाटर होता है ना, बहुत गहरा पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी जो बीच के आगे होता है बिल्कुल, वहां पे नंगे पैर घूमने को पैडलिंग कहते हैं। द टू कजन्स वर होल्डिंग पोएट्स मदर हैंड बिकॉज, अब उन्होंने क्यों उनका हाथ जो है पकड़ रखा था पोएट की मम्मी का, दोनों बहनों ने, छोटी बहनों ने। शी वॉज द ओल्डेस्ट अमंग गर्ल, उनके में सबसे बड़ी थी, द बिग गर्ल लिखा है ना, इसलिए। शी सीम्स अफेक्शनेट, उन्हें प्यार आ रहा था अपनी दोनों छोटे बहनों पे, इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़ा था। इट शोज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग्स द यंग गर्ल्स, क्योंकि वो बीच पे थे और वहाँ पानी था, तो और मतलब कि वैसे भी कि छोटे बच्चे हैं उनके साथ में, दो उनकी छोटी बहनें हैं, तो सिक्योरिटी के लिए कि हाँ मैं अपनी दोनों बहनों का हाथ पकड़ के रखूंगी, इसलिए उन्होंने पकड़ रखे थे हाथ। क्या रीज़न हो सकता है ये, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, क्योंकि हर रीज़न है जो है सेट बैठ रहेगा। तो अगर आपने पोएम समझी हुई है ना, तो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आप रियल मीनिंग समझो ना कि क्यों एक बड़ी बहन ने दो छोटी बहनों का हाथ पकड़ा है, उन्हें प्यार हो रहा होगा, बड़ी बहन है इसलिए भी पकड़ सकती है, और एक सिक्योरिटी के लिए भी कि कहीं मेरी दोनों छोटी बहनें खो ना जाए इसलिए। तो तीनों ही रीजन सही है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं जहाँ सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी चलाना पड़े। ठीक है, नेम द पोएटिक डिवाइस विच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। अब पोएटिक डिवाइसेस की एक अलग वीडियो बनाऊंगी, 5 मिनट में पोएम के सारे पोएटिक डिवाइसेस वहाँ पे मैं आपको बता दूंगी, बट चलो फिर भी देख लूँ कि ये लास्ट लाइन में, सॉरी जो फर्स्ट लाइन में ये यूज करा गया है कार्डबोर्ड शोज मी हाउ, तो यहाँ मतलब क्या है, कार्डबोर्ड क्यों लिखा गया, द फोटोग्राफ शोज मी हाउ इट वॉज क्यों नहीं कहा। ये पोएम को लिखने का पोएट्स का स्टाइल होता है, क्यों उन्होंने ये नहीं लिखा द फोटोग्राफ शोज मी हाउ इट वॉज, कार्डबोर्ड क्यों लिखा, बिकॉज गाइस कहीं ना कहीं उन्हें एक अल्यूजन क्रिएट करना था। अल्यूजन एक तरीके का लिटरेरी पोएटिक डिवाइस आप कुछ भी कह सकते हो होता है। तो अल्यूजन में क्या होता है गाइस, किसी भी एक सिनेरियो को डिपिक्ट करने के लिए अल्यूजन यूज करा जाता है। अब यहाँ पे उन्हें क्या डिपिक्ट करना था, हमारी पोएटेस को उन्हें दिखाना था द कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हिंट्स एट द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखो कार्डबोर्ड क्या है, कार्डबोर्ड को फोटोग्राफ कार्डबोर्ड पे चिपका रखा है, कार्डबोर्ड ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे वो जो है धीरे धीरे रिंकल्स आ जाते हैं, ख़राब हो जाती है चीज़ें, तो ये डिफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, दैट जैसे कार्डबोर्ड की लाइफ ऐसे परमानेंट नहीं होती है, वैसे ही ह्यूमन लाइफ भी परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड को वैसे तो सिक्योर करने के लिए फोटोग्राफ को लगाया जाता है, कई लोग फ्रेम नहीं कराते ना, तो एक कार्डबोर्ड लिया उस पर चिपका दी, बट कहीं ना कहीं वो कार्डबोर्ड कभी ना कभी तो ऑब्वियसली ख़राब हो ही जाता है, फिर फोटो निकाल के आप दूसरे पे लगाओ, एनीथिंग यू कैन डू। बट कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो भी परमानेंट नहीं है। जैसे आज जब ये पोएम ने पोएट लिखी गई है तो पोएटिस की मदर वॉज नॉट अलाइव, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करी है दैट जैसे कार्डबोर्ड परमानेंट नहीं है वैसे ह्यूमन लाइफ भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस वॉज डियर टेरेबली ट्रांसजेंट फीट। अब यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अगर ये पोएम से एक्सट्रैक्ट आता है क्वेश्चन आता है तो ये स्टैंजा मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये टेरिबली ट्रांजिशन फिट पे पता ही नहीं कितने क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो ये समझ लो हुज फेस वॉज स्वीट, अ स्वीट फेस लिखा है तो किसका फेस है, मदर्स फेस। एग्जाम में चार ऑप्शन दे देंगे, सही वाला आपको पकड़ना है। द फेस टेरिबली ट्रांजिएंट फीट सजेस्ट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या है, तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट क्या शो करता है, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन, ट्रांजिएंट मतलब नॉन परमानेंट, ठीक है, टेम्परेरी भी कह सकते हो आप ट्रांजिएंट को। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट उन्होंने क्यों यूज़ करा, पैर तो भाई पैर होते हैं, पैर के पीछे उन्होंने दो दो बातें और लिख दी, एक लिखा ट्रांजिएंट मतलब नॉन परमानेंट या टेम्परेरी, ठीक है, टेरिबल ट्रांजिएंट फीट, ट्रांजिएंट मतलब वो क्या दिखाना चाह रही थी कि जो हमारे पैर है ना ह्यूमन बींग्स के, ये मॉर्टल हैं, ठीक है, हम कभी भी मर सकते हैं, वैसे ही हमारे पैर हैं नॉन परमानेंट है, और वो जो वो समुद्र था जो उनके पैरों के नीचे था वो परमानेंट है, हम रहे या नहीं रहे समुद्र वैसा ही है। 50 साल पहले भी है जब उनकी मदर वहाँ हॉलीडे पे गई होंगी, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब भी कभी भी वो जाएंगी सी तब भी वैसा था, आज जब हमारी पोएटर्स भी जाएंगी वहाँ पे उस सी में वो वैसा ही है। हाँ थोड़ा हमने उसे पॉल्यूट कर दिया है, बट जो सी है, जो नदियाँ हैं, जो नेचर है, इट्स परमानेंट। बट ह्यूमन बींग्स के पैर कैसे हैं, वी आर नॉन परमानेंट। तो वही दिखाने के लिए कि ह्यूमन लाइफ परमानेंट नहीं होती है, बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ वेरी सैड बिकॉज अ मदर इज़ नो मोर, तो इसलिए वो लिखती हैं टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। तो ट्रांजिएंट फीट सजेस्ट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग मतलब नॉन परमानेंट, यानी कि हम लोग मॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल नहीं है, हम अमर नहीं है, ये दिखाने के लिए। नेम द पोएटिक डिवाइस विच हैज़ बीन यूज इन द लाइन्स वॉश्ड दे ऑफ फीट, पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है इसमें, तो इसमें यूज़ हुआ है ट्रांसफर्ड एपिटेट। अब ट्रांसफर्ड एपिटेट क्या होता है, 5 मिनट की वीडियो है, जाके समझ लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने, आई टैब में लिंक मैंने, पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सहनी, सब समझा रखे हैं मैंने उसमें। नाउ शी इज़ बीन डेड, नेक्स्ट स्टैंजा, नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंट साइलेंसेस। तो हु डज शी रेफर टू, शी इज़ डेड लिखा है ना, तो द पोएट्स डेड मदर, वो अपनी मदर की बात कर रही है। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज इवेंट्स दैट चेंज योर लाइफ ओवर विच यू हैव नो कंट्रोल ऑफ, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लो, ठीक है। आपसे पूछा गया है एक्सट्रैक्ट में से कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब है कुछ ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, तो चलो ढूंढते हैं। तो वो वर्ड क्या है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव, वो कह रही है मेरी मदर की डेथ हुए वो उतना समय हो गया जितना वो उस फोटो में थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस में मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो आपने ये लाइन सुनी, मैं क्या ही कर सकती हूँ इस सर्कमस्टेंस में, और यहाँ क्या लिखा है, एक ऐसा वर्ड ढूंढो जिसका मतलब है एक ऐसी इवेंट आपकी लाइफ में हो रही जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप क्या ही कर पाओगे उसे कंट्रोल करने के लिए, समझे ना कनेक्शन। तो मतलब कि वो वर्ड क्या है, सर्कमस्टेंस। देखो सर्कमस्टेंस क्या है, अचानक हो गई घटना, कुछ ऐसा कुछ मतलब सिनेरियो बन गया कि यू आर इन दैट कंडीशन, इसको कहा जाता है सर्कमस्टेंस। अगर नॉलेज आप नॉर्मल, अगर जनरल नॉलेज लगाओगे तो भी आपको पता होगा एक्सट्रैक्ट का वो वर्ड है सर्कमस्टेंस। बट अगर आप पोएम की लाइन को भी समझोगे तो वो कह रही है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं, वैसे ही यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, आप ऐसा ही कंडीशन बताओ जहाँ पे इंसान के कंट्रोल में कुछ नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे हम, सर्कमस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सर्कमस्टेंस रेफर्स टू, वो कौन सी सर्कमस्टेंस की बात कर रही है यहाँ पे, उन्होंने कहा ना अन ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग आई कैन डू, इट्स साइलेंट साइलेंसेस, तो सर्कमस्टेंस वो क्या है सर्कमस्टेंस, तो द टू हर मेंटल कंडीशन एट प्रेजेंट, द सिचुएशन इज वेरी लोनली एंड शी फील्स अनबेरेबली सैड विदाउट हर मदर्स प्रेजेंस। तो सर्कमस्टेंस उनके अराउंड क्या है कि उन्हें बहुत अकेलापन फील होता है, उन्हें अपनी मदर की बहुत ज़्यादा याद आती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती हैं अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए समय पे। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन है हमारी क्या लिखा है लास्ट लाइन में हमारा, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो गाइस इसका पोएटिक डिवाइस है बी एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बहुत ही सिंपल होता है जिसमें दो सेम लेटर से शुरू होते हुए वर्ड या सेम साउंड से शुरू होते हुए लेटर होते हैं वो, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं साइलेंस साइलेंसेस में दोनों एस से शुरू हो रहे हैं और साउंड भी सेम है, एस एस साउंड आ रही है, तो सेम साउंड या सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं तो एलिट्रेशन है। जैसे यहाँ मैंने लिखा मिकी माउस, तो ये एम से शुरू हो रहा है, ये भी एम से शुरू हो रहा है, एम साउंड आ रही है, मिकी माउस एम साउंड आ रही है, एम से शुरू है, ये एलिट्रेशन है। मैंने यहाँ लिखा टाइनी टैन, ठीक है, तो टी टी एलिट्रेशन हो गया, तो सेम साउंड हो या सेम लेटर से शुरू हो रहा हो तो वो एलिट्रेशन होती है। तो साइलेंस साइलेंसेस दोनों एस साउंड आ रही है, तो ये कौन सा हुआ एलिट्रेशन। द एंटायर पोयम रन्स थ्रू लैमेंट ऑफ लॉस ऑफ समथिंग, लैमेंटेड मतलब परेशान होना, रोना किसी की मृत्यु पे एक तरीके से, ऑफ नियर एंड डियर वन, विच फीलिंग इज प्रेजेंट प्रोमिनेंटली हियर, कौन सी फीलिंग यहाँ पे यूज हो रही है, तो नोस्टैल्जिक फीलिंग इज प्रेजेंट प्रोमिनेंटली इन द पोयम, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि इस पोयम में क्या फीलिंग रन कर रही है।
तो नोस्टैल्जिक फीलिंग है। पोएटेस की मदर जो थी वो अपने बचपन को याद कर रही थी। पोएटेस क्या याद कर रही है? अपनी मदर को याद कर रही है। हाउ लॉन्ग हैज़ द पोएट्स मदर बीन डेड? कितने समय हो गया उनकी मृत्यु को? द पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर अबाउट 12 ईयर्स। ठीक है। स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न टू। इस वाले इसका हम एक्स्ट्रैक्ट के बेस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपर MCQ फॉर्म में है। हू स्वीट फेस इज रेफर्ड? तो पोएटेस की मदर का। द पोएटिक डिवाइस यूज इन द फर्स्ट स्टैंजा इज, पहली लाइन में क्या है यहाँ पे यूज हुआ है, थ्री स्टूड स्टिल। तो देखो यहाँ पे तीन बार ऐसे वर्ड्स यूज करे गए हैं जो एस से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूड स्टिल स्माइल, ये आया यहाँ पे क्या, एलिट्रेशन। ठीक है, तो चलो हमें पता चल गया पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा A1, एलिट्रेशन। द एंडलेस डैश हैज नॉट चेंज्ड ओवर टाइम। एंडलेस क्या चेंज नहीं हुआ? एंडलेस टाइम, एंडलेस सी, एंडलेस ट्रांजिएंट फीट, मदर्स फेस, तो भाई नॉट चेंज्ड। तो आपको पता है मदर्स फेस कैसे चेंज नहीं होगा? जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे आपके फेशियल चेंज होता रहता है आपका फेस, ठीक है, आप बूढ़े होते रहते हो। ट्रांजिएंट फीट तो पता ही है, फीट तो उन्होंने कहा ही है कि वो परमानेंट नहीं है। टाइम इट गोज ऑन। तो यहाँ पे जो है एंडलेस सी हैज नॉट चेंज मच ओवर टाइम, तो उन्होंने पोएम में यही बताया कि ये जो समुद्र है ये आज भी वैसे, अगर आज भी मैं उस बीच पे जाऊंगी तो मुझे वही समुद्र दिखेगा, बट मेरी मदर जो है अब नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं दिखानी है दैट ह्यूमन बींग्स जो है परमानेंट नहीं है एंड नेचर इज परमानेंट। ठीक है, तो चलो विद दिस गाइज वी हैव कम्प्लीटेड मैनी एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, 3-4 एक्सट्रैक्ट हमने इंटायर अपनी पोएम में से देख लिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में एक्सट्रैक्ट को सॉल्व करने में, MCQs को सॉल्व करने में। एंड आई विल ऑल्सो मेक वन मोर मिक्सड बैग वीडियो जहाँ पे और एक्सट्रैक्ट MCQ हम प्रिपेयर करेंगे। अभी आप इतने कर लीजिए, बाकी जो है और क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूँगी, वो मिक्सड बैग होगा हर पोएम के मिक्स करके, तो उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी। अभी के लिए इन्हें प्रिपेयर करो और नेक्स्ट वीडियो को देखो जहाँ पे मैं आपको कराऊंगी ये सभी क्वेश्चन जो है हमारे पोएम्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है, आप लोगों को लगता है कि पोएम से शायद शॉर्ट क्वेश्चन ना पूछे जाए, नहीं गाइस, पोएम में से भी आपको 30-40 वर्ड्स वाले शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो नेक्स्ट वीडियो को देखो जहाँ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। अगर आपको ये एक्सट्रैक्ट्स की फोटोग्राफ चाहिए, Instagram ID पे जाके देख सकते हो, हमने सभी फोटोज को अपलोड कर दिया है। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।